रहमतुल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि नूरानी आए हुए हैं और कल शाम को यहाँ पर पहुँच गए थे। रात को हमने खाना बनाया और पूरी रात यहाँ पर बोन फायर किया हमने और बहुत इंजॉय किया सर्दी को। और अभी सुबह उठे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ी है और अभी फिर आग जलाकर बैठे हुए हैं। बस अब नाश्ते की तैयारी है, तो मज़ीद उसके बाद नाश्ता करने के बाद आगे चलते हैं और मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं और आगे के मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। तो यकीनन हम तो इंजॉय कर रहे हैं, यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे उसको देखकर। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ लोग उठ चुके हैं और जो उठ चुके हैं वो आपके सामने मौजूद हैं और आग सेक रहे हैं, ये लोग हाथ सेक रहे हैं, सर्दी के मज़े ले रहे हैं। ये मनाजिर हैं नूरानी की सुबह के, फजर के बाद के, और सर्दी के मज़े, आग के मज़े। और अभी कुछ लोग सो रहे हैं जो नीचे बाहर ही सो गए थे। वैसे तो हमने अंदर इंतज़ाम किया हुआ था सोने का। हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं, मोहब्बत फ़कीर कहलाता है ये एरिया, यानी कि नूरानी की दरगाह के लिए जब आप आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्टे होता है। आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा हमें रात को सूटेबल लगा तो हम यहाँ पर रुक गए। अब रात गुजार के अब हम आगे मज़ार शरीफ की तरफ जाएंगे। इस तरह की होटलें यहाँ पर बनी हुई हैं जहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत मिल सकती है, जैसे कि बिस्तर वगैरह अगर आपको चाहिए तो बिस्तर ले सकते हैं। ये देखें बिस्तर रखे हुए हैं और हमारे साथी कुछ लोग सोए थे, कुछ जाग रहे थे, तो बिस्तर वगैरह की सहूलत यहाँ पर मौजूद होती है। और इसके अलावा यहाँ पर खाना, नाश्ता और चाय वगैरह भी मिल जाती है। हम लोग तो वैसे सारा सामान साथ लेकर आए थे, लकड़ियाँ और सब चीज़ें, तो खुद हमने चाय बनाई और खाना वगैरह बनाया। ये देखें आप मनाज़िर, क्या ज़बरदस्त पहाड़ हैं और ज़बरदस्त खूबसूरत सुबह है, बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। अगर आप सर्दियों में यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसका एक अलग मज़ा है, अपना इंजॉय होता है बहुत, लेकिन इंतज़ाम पूरे होने चाहिए। बिस्तर भी कुछ साथ होने चाहिए, कुछ यहाँ पर भी मिल जाते हैं, कुछ साथ होने चाहिए। हालांकि बच्चे हमारे साथ हैं लेकिन हम मुकम्मल इंतज़ाम के साथ आए हैं तो इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग पतीले वगैरह साथ लेकर आए, खाना हमने खुद ने पकाया यहाँ पर, और इसके अलावा चाय वगैरह भी हमने खुद ने बनाई, तो बहुत इंजॉय किया। वो बनाने का भी अपना एक अलग इंजॉयमेंट थी। और यहाँ पर हम बॉर्न फायर किया, रात को हमने आग जलाई, सब लोग बैठे बातें वातें करी, पूरी रात गुजर गई, बहुत मज़ा आया। तो बहुत इंजॉय होता है, आप आएँ तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन इंतज़ामात अगर सर्दियों के दिन हों तो इंतज़ामात पूरे होने चाहिए आपके पास, जैकेटें और सॉक्स, शूज़ वगैरह और ग्लव्स वगैरह सारे इंतज़ामात होने चाहिए, तो फिर आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पतीले में इतने सारे हाथ चल रहे हैं, ये जुल्म बिल जबर हो रहा है भगोने के साथ, पतीले के साथ चमचा भी है भाई। आपने इस तरह से ये स्टाइल खाने का कभी नहीं देखा होगा, ये भी एक अंदाज है खाने का, ये देखें आप, वाह जी वाह। दिखाए हैं और कुछ अभी और मज़ीद दिखाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर दरगाह के करीब पहुँच गए हैं, ये आखिरी पॉइंट है गाड़ी पहुँचने तक का, ठीक है। ये पार्क मोटरसाइकिल पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर गाड़ियाँ आपको पीछे बसें खड़ी भी नज़र आ रही होंगी, तो यहाँ पर बस यहाँ पर तक आखिरी स्टॉप है, इसके बाद यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर पैदल जाना पड़ता है। सेफ पार्किंग है, 50 रुपये की मोटरसाइकिल ये ले रहे हैं और सेफ पार्किंग है। इससे पहले भी मैं आया तो यहाँ पर खड़ी करी थी, बिल्कुल कोई भी मतलब परेशानी की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं आगे दरगाह की तरफ, तो फिर मज़ीद आपको दरगाह की भी ज़ियारत कराते हैं और मज़ीद भी मनाज़िर दिखाते हैं इंशाअल्लाह।
ये पार्किंग से आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर चेक पोस्ट बनी हुई है, तो इस चेक पोस्ट से हमें गुजर के जाना है। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, चेकिंग वगैरह थोड़ी बहुत होती है और उसके बाद फिर हम आगे मस्जिद पैदल जाएंगे। कैमरा अलाउ नहीं है। अब ये पतले पतले रास्ते हैं और ऊंचाइयां नीचाइयां हैं जिसकी वजह से सांस भी फूल रहा है। बहरहाल है बहुत ज़बरदस्त जगह, फुल देसी माहौल है यहाँ पर। ये देखें ये लाइन से वॉशरूम बने हुए हैं और पहले यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे लेकिन अब वॉशरूम बन गए हैं। और वैसे सहूलत तो हर तरह की है यहाँ पर, मतलब आपको खाना भी मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी, सैलून है यहाँ पर। और ये जी हम लोग अब दरगाह के करीब करीब पहुँच रहे हैं और माहौल आपको नज़र आ रहा होगा, दरगाह वाला माहौल शुरू हो गया है और साइडों में दुकानें वगैरह भी हैं। ओहो ये देखें मोर, ये यहाँ पर मोर बहुत होते हैं, पहाड़ी इलाका है तो इस वजह से यहाँ पर मोर बहुत होते हैं, बत्तखें होती हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी इंजॉयमेंट की जगह है। और अभी हम मज़ार शरीफ की तरफ जा रहे हैं, ये देखें बत्तख का नाम लिया, बत्तख नज़र आ गई। मुकम्मल देसी माहौल है, बड़ा ज़बरदस्त सा बाजार बना हुआ है, ये होटल बनी हुई है, पराठे लगता ख़त्म हो गए हैं यहाँ पर। ये जी मज़ार पर आ गए हम लोग, ले जी हम दरगाह पे के आते में आ गए हैं और अब दरगाह के लिए हमें ऊपर जाना है और ऊपर के लिए सीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये दरगाह के साथ एक मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद के साथ ही ये दरगाह है। दरगाह के साथ ही कुछ कब्रें भी बनी हुई हैं, आप इन कब्रों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कदीम हैं ये। इस तरह की कब्रें जो हैं ये सिंध के मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलती हैं, मैंने मज़ीद भी जगहों पर देखा है, ये बहुत कदीम होती हैं। ये काम जो है कब्रों का ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये 200-300 साल पुराना तो कम से कम होगा। ये दरगाह के साथ ही है। देखें जी दरगाह से निकल कर हम थोड़ा आगे की तरफ गए, यहाँ पर कितने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं। और यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि गोकल देव हुआ करता था यहाँ पर, नूरानी बाबा ने जो है उसको किसी पहाड़ में कैद कर दिया, इस तरह की जो बातें हैं ये वो मशहूर है। अब ये नहीं पता कि कितनी सदाकत है इस
बात में, लेकिन बहरहाल हम इस सफ़र को और इन मनाजिर को ज़रूर इंजॉय कर रहे हैं, और आप ख़ुद भी देख रहे होंगे कि कितने हसीन, कितने ज़बरदस्त मनाजिर हैं। चश्मा बह रहा है, साफ़ पानी है, बिल्कुल शफाफ। बच्चे हमारे साथ आए हुए हैं जो कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये शाहिद भाई हैं और चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, ऊपर पहाड़ के ऊपर आ गए हैं, हाइट के ऊपर, और सांस खुल गए हैं, और बहुत शानदार मनाजिर हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। थकन ज़रूर हो रही है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मत्ती है।